आप सब लोगों का और आप सब लोगों का धन्यवाद आपके यहाँ पे आने के लिए। जैसा कि हम हर साल हमारे जम्मू कश्मीर स्टेट एमेच्योर बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन की तरफ से हम हर साल एक इवेंट कराते हैं स्टेट चैंपियनशिप, जिसमें पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर आगे पार्टिसिपेट करके स्टेट लेवल पे जाते हैं और उसके बाद फिर नेशनल लेवल पे। उसी की कड़ी में 2022 में हम हमारा इवेंट हो रहा है 3 अप्रैल को, जो कि हमारा टीचर भवन ऑडिटोरियम गांधीनगर में हो रहा है। तो उसके साथ ही मैं आपको ये बताऊँ कि अपनी जम्मू कश्मीर एसोसिएशन की तरफ से मैं रोहित वर्मा आप सबको और आपके सबके माध्यम के थ्रू पूरे जम्मू कश्मीर के आवाम को इनवाइट करूँगा कि वो यहाँ पे आएँ और हमारे जो पार्टिसिपेंट है, जो बच्चे यहाँ से खेल के अपने आप को एक छोटी छोटी जगह से उठ के मेहनत करके प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं, उनकी हौसला अफजाई करने के लिए आएँ। और इसी के साथ ही मैं अभी हमारे जो जम्मू कश्मीर स्टेट एमेच्योर बॉडी बिल्डिंग के जो चीफ पैटर्न है श्री साहिल अग्रवाल जी, मैं चाहूँगा कि वो थोड़ी डिटेल आपके सामने इस इवेंट के बारे में रखें। मैं सबसे पहले आप सबको थैंक यू बोलूँगा, पहले की तरह आप लोगों ने हमेशा से हमें बड़ा प्यार दिया है और इस पर ही अगेन हमारा 7th ये स्टेट हम करवाने जा रहे हैं। इसमें अगेन हमारी सबसे बड़ी जो मेजर हाईलाइट है कि फर्स्ट पहली बारी भी लास्ट ईयर हमने वुमेन का उसकी चैंपियनशिप करवाई थी, इस बारी भी वो हो रही है। सेकेंडली हमारा पर्पस यही रहता है बॉडी बिल्डिंग के साथ कि हम यूथ को कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व करें और अवेयरनेस की तरफ लेके जाएं, बिकॉज कोविड के कारण बहुत लोग घर पे रहे और स्पोर्ट्स की तरफ इतना रुझान नहीं रहा। तो हमारा पर्पस ये भी रहता है कि वो ड्रग्स से हटके, जो हमारा मेन पर्पस है, लास्ट ईयर भी हमारा स्लोगन था कि से नो टू ड्रग्स, सो द पर्पस इज कि उनको इन्वॉल्व करें और हमारी चैंपियनशिप में आके, और इस बार भी हमारे को बढ़ चढ़ के एंट्रीज आई हैं पूरे JNK से। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग भी आए और मेरी तरफ से ये ओपन इन्विटेशन है, आप सब लोग प्लीज़ आइए और हम लोगों को सपोर्ट करिए। टाइमिंग क्या रहेगी इसी, इसमें मैं आपको बता देता हूँ टाइमिंग का। हमारा इसमें हमारी जो टाइमिंग है संडे 3 अप्रैल को टीचर भवन गांधीनगर ऑडिटोरियम में शुरू होगा 10 बजे से। इसमें हमारे टोटल जो है इसमें 5 इवेंट हैं, जिससे सबसे पहले है इसमें जम्मू कश्मीर जूनियर जम्मू कश्मीर, उसके साथ ही हमारा है हमारा मैन फिजिक है, वुमेन फिटनेस है और मिस्टर क्लासिक फिजिक कॉम्पिटिशन है और ओवरऑल जम्मू एंड कश्मीर का जो ओवरऑल जो चैंपियन बनेगा, जो कि टीम को रिप्रेजेंट करेगा हमारे अपकमिंग जो इवेंट है मिस्टर इंडिया सीनियर मिस्टर इंडिया जूनियर मिस्टर इंडिया, जो कि पुणे में 18 अप्रैल को हो रहा है, वहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे। हमारी स्टेट की तरफ से जो टीम जाएगी सिलेक्शन ट्रायल इसी में होंगे। साथ ही मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि बड़े टाइम बाद, बड़े सालों बाद आई थिंक फर्स्ट टाइम हमारा मिस्टर यूनिवर्स हो रहा है इंडिया में पुणे में, जो कि हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है कि हमारी टीम आप रिप्रेजेंट करेगी मिस्टर यूनिवर्स में, जिसमें ऑल ओवर पार्टिसिपेंट जो 206 कंट्रियाँ हैं वर्ल्ड की, वो सारी पार्टिसिपेट करने आ रही हैं। और साथ ही साथ मैं इसमें एक और चीज़ ऐड करूँगा कि इस बार जो हमने जो ऑडियंस है उनको, उनके लिए एक नई चीज़ है, हर बार हम कोशिश करते हैं कुछ नया नया करने की। इस बार जो है कि जो एंट्री है सिस्टम है ऑडियंस का, वो प्रॉपर पास सिस्टम के साथ होगा कि वो पास लेके वो एंट्री कर पाएंगे। उससे क्या होगा कि छोटा सा एक इवेंट, एक माहौल, एक बड़ा अच्छा एक हमने करने की कोशिश करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी के साथ ही मैं एक बार हमारे जो जम्मू कश्मीर स्टेट एमेच्योर के जो प्रेसिडेंट हैं ओम प्रकाश जी, मैं उनसे भी कहूँगा कि वो अपनी चंद बातें आपके साथ रखें। सबसे पहले मैं मीडिया का वेलकम करना चाहता हूँ और साथ ही जम्मू कश्मीर की आवाम को और ख़ास करके यंग जनरेशन जो है उनको मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि हर साल की तरह इस साल भी JK सभा जो है जम्मू कश्मीर एमेच्योर बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन जो है वो इस साल भी बॉडी बिल्डिंग चैम्पियनशिप करवा रही है। तो डिटेल आपको पहले ही बता दी है हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब ने और उसके बाद हमारे चीफ पैटर्न जो है साहिल अग्रवाल जी, उन्होंने बता दी है। तो ये हमारा जो इवेंट है हर साल होता है, मार्च महीने में करवाते हैं, इस साल भी ये टीचर भवन ऑडिटोरियम गांधीनगर में करवाया जा रहा है। और मैं सबसे यही दरख्वास्त करूँगा कि सभी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़े इसमें हिस्सा लें, खास करके जो यंग जनरेशन है उसको मैं कहूँगा कि हमारा पहले भी यही स्लोगन रहा है, इस साल भी हमारा यही है, से नो टू ड्रग्स।